हाय दोस्तों, वेलकम टू चटपट टॉय टीवी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ तीन कमाल के टॉयज। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पहले हमारी मिलिट्री वाली गन, और ये है इस गन के बुलेट्स, और दोस्तों ये है कार वाला ड्रोन, और ये है एक बाइनोकुलर्स। तो दोस्तों, ये तीनों टॉयज को मैंने ऑनलाइन से ही परचेस किया है बहुत ही कम प्राइस में। जैसे कि दोस्तों, इस गन का प्राइस है 400 रुपीस, और इस ड्रोन का प्राइस है सिर्फ 150 रुपीस, और इस बाइनोकुलर्स का प्राइस है 200 रुपीस। तो दोस्तों, ये बाइनोकुलर्स में एक खास चीज ये है कि दोस्तों, आप 1 किलोमीटर दूर तक इस बाइनोकुलर से देख सकते हैं, और वो भी बहुत ही क्लियरली। और इस ड्रोन के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये ड्रोन बिल्कुल भी नहीं उड़ता है ऊपर, ये सिर्फ कार वाला ड्रोन है दोस्तों, सिर्फ नीचे ही चलता है गाइस ये। तो दोस्तों, आज से मैं एक नई चीज शुरू करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, मुझे शाउट आउट देना है, जो कोई भी मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छे से कमेंट लिखेंगे, मैं उन्हें शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं शाउट आउट देने वाला हूँ हैकर अनिमेश को। हैकर अनिमेश ने मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे थे, तो मैं आज अनिमेश तुम्हें शाउट आउट देता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए एक एक करके सारे टॉयज देख लेते हैं। तो मैं पहले आपको दिखाने वाला हूँ ये कार वाला ड्रोन। तो देखिए दोस्तों, इस ड्रोन को आपको मैं करीब से दिखा रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, जब मैंने इसे परचेस किया था तो वहाँ पे लिखा था कि ये अनब्रेकेबल टॉय है। देखिए, हम एक टायर घुमाते हैं तो सारे टायर्स घूमने लग जाते हैं इस तरह से गाइस। देखिए, है ना बढ़िया चीज। मैंने इसीलिए आप परचेस किया है दोस्तों, आपको दिखाने के लिए कि ये चीज बहुत ही बढ़िया है। चाहे आप इस ड्रोन को कितनी भी ऊपर से फेंक ले गाइस, ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये एबीएस प्लास्टिक से बना हुआ ड्रोन है। तो इस ड्रोन को मैं नीचे भी चला के बताऊंगा दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए, इसे यहाँ पे रख देते हैं। तो अगला वाला टॉय मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त टॉय है दोस्तों ये। इसका नाम है कॉमेट बाइनोकुलर्स। तो इसे खोल लेते हैं यहाँ से। तो गाइस, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो तुरंत ही मिल जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बाइनोकुलर्स को किस तरह से यूज़ करना है और इसकी किस तरह से केयर करना है, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हमें। और ये बाइनोकुलर्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फोल्ड हो जाता है गाइस। देखिए, इस पे सारी चीज़ें समझाई गई है कि इस बाइनोकुलर्स को किस तरह से यूज़ करना है हमें। चलिए, मैं इसे खोल के बता देता हूँ आपको। देखिए, इस तरह का एक थ्रेड भी दिया गया है, और देखिए ये फोल्ड किया हुआ है। मैं इसे खोल लेता हूँ यहाँ से। से देख सकते हैं गाइस आप, यहाँ पे लिखा है 10 × 25 101 meters × 1000 meters। तो इस बाइनोकुलर्स को मैं 1 month से यूज कर रहा हूँ दोस्तों, और ये बाइनोकुलर्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। और देखिए, इसके सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, इसे सेट करने के लिए सारी चीजें दी गई है यहाँ पे इस तरह से, और देखिए यहाँ पे भी एक दिया गया है इसे सेट करने के लिए, ताकि इसके लेंसेस अंदर बाहर हो सके और सामने वाली चीज़ हमें क्लियर से नज़र आ सके। तो इससे आप 1 किलोमीटर दूर की चीज़ भी बहुत ही आसानी से देख सकते हैं गाइस। तो चलिए, इस बाइनोकुलर्स को यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो अब ले लेते हैं हमारी सबसे ख़तरनाक वाली चीज़, ये है एक मिलिट्री वाली गन। तो देखिए दोस्तों, ये गन किस तरह से नजर आ रही है। तो ये गन सारी की सारी अलग अलग पार्ट्स में आ जाती है दोस्तों, मैंने इसे ऑलरेडी असेंबल करके रखा हुआ है। तो इसका बॉक्स किस तरह से आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये रहा इस गन का बॉक्स, जैसे देख सकते हैं आप, इस तरह के बॉक्स में मिल जाती है हमें।
ये गन देखिए यहाँ पे इसका प्राइस भी दिया हुआ है दोस्तों 999 बोलकर, लेकिन मुझे ये बहुत ही कम प्राइस में मिली है गन। तो इस गन के सारे फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो देखिए पहली चीज़ इस गन के अंदर ये है, इसका स्टैंड बहुत ही बढ़िया वाला स्टैंड दिया गया है। देखिए इस तरह से फोल्ड करके भी रख सकते हैं, हमें कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसे। तो और देखिए यहाँ पे एक स्कोप भी दिया गया है गाइस हमें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये डुप्लीकेट स्कोप है, इसमें से कुछ नज़र नहीं आएगा हमें। तो यहाँ पे है इसका ट्रिगर और देखिए यह है इसका स्टैक। इस तरफ से भी बता देता हूँ गन मैं आपको, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक है इसका, आसानी से टूटेगी नहीं ये गन। तो इसके अंदर देखिए मैंने ऑलरेडी बैटरीज इंस्टॉल कर रखी है। यहाँ पे आ जाएंगे आपको 3 बैटरीज, तो मैं आपको दिखाता हूँ बैटरीज किस तरह से डालना है। देखिए 2 बैटरीज है और ये आ गई तीसरी बैटरी इसके ऊपर, तो इसे इस तरह से लगा देना होगा। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे दिया गया है, इस तरह से ऑन और ऑफ हो जाता है ये। और देखिए इस गन को मैं भी आपको चला के भी बताता हूँ, और इसके अंदर लेज़र लाइट भी दी गई है गाइस। तो चलिए इसे चलाते हैं एक बार, देखिए इस तरह से चलने लगती है गन। और देखिए लेज़र को दिखाई नहीं दे रही होगी, देखिए तो इसके अंदर से लेज़र देखिए शायद यहाँ पे दी गई है लेज़र, इसकी लेज़र पॉइंट देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसका लेज़र है। तो गाइस इस गन के अंदर इस बुलेट्स को किस तरह से यूज़ करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ है पहले साइड में रख लेते हैं हम लोग, तो इसके अंदर बुलेट्स डाल लेते हैं, देख सकते हैं गाइस आप ये बुलेट्स। यहाँ पे एक गियर दिया गया है, इसके अंदर इस तरह से डालना होगा हमें, और फिर देखिए ये बुलेट्स इस तरह से चलना शुरू हो जाएंगे। तो और एक दिया गया है ये इस तरह का, तो इसे यहाँ से जोड़ लेते हैं हम, तो इसे इस तरह से राउंड करके यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस आप, देखिए इस तरह का एक राउंड सा बन जाता है इन बुलेट्स का। तो अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, देखिए है ना गाइस, बहुत ही कूल चीज़ ये, देखिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो गाइस ये तीनों टॉयज में से आपको कौन सा टॉय पसंद है मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई भी एक कमेंट पिक करूँगा, जो बहुत ही मुझे अच्छा कमेंट लगेगा वो कमेंट मैं पिक करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उस बंदे को ज़रूर शाउट आउट दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और जबरदस्त टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।